खबर जयपुर के सांभर कस्बे से, जहां पालिका प्रशासन स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। यहां लाखों रुपए की लागत से निर्मित सुलभ शौचालयों पर ताले लटके नजर आ रहे हैं, तो वहीं आमजन के लिए बनाए गए जन सुविधाओं में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो कि पालिका प्रशासन और स्थानीय राजनेताओं की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। तो वहीं मामले में क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत का कहना है कि हमारी सरकार विकास की गंगा बहाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कस्बे में जगह जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाए गए, लेकिन उनकी साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। जयपुर जिले के सांभर कस्बे में संचालित सुलम कॉम्प्लेक्स, जो कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया था, और उसकी लगातार शिकायत आने के बाद हम यहाँ मौके पे पहुँचे और देखने को मिल रहा है कि मेरे मीडिया कर्मी को दिखाना चाहता हूँ कि लोक लगा हुआ सामने है। हम आगे भी दिखाना चाहते हैं कि सुलम कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों रुपये खर्च करके लोक लगा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही जो कि पुरुषों का शौचालय बना हुआ है। मैं मेरे कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि आप अंदर आए और ये सुलम कॉम्प्लेक्स पुरुषों के लिए खोला गया है। हम दर्शकों से बात करते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों से, कि यहाँ पर कितने दिनों से सफाई। भाई साहब आपका क्या नाम है? भाई साहब मुकेश शर्मा। मुकेश जी, ये जो बना हुआ है शौचालय कब से बना हुआ है? ये जी सर 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से ये ताला खुलता है नहीं खुलता है? सर इसका कोई समय नहीं है, जब खुलता है नहीं वरना बंद रहता है। सफाई कब होती है आप? सफाई का कोई पता नहीं जी, कोई पता नहीं है। जैसे एक दिन में जो चेयरमैन साहब के रोजाना, आज तक हमने देखा नहीं। चेयरमैन साहब बोल रहे हैं तो झूठ ही बोल रहे हैं। अच्छा, सफाई कभी नहीं होती? बिल्कुल, हमने तो देखा नहीं। एक दो दर्शक और हमारे साथ। भाई सर क्या नाम है आपका? सर आप यहाँ विराजते हैं, ये ताला क्या हमेशा लटका रहता है क्या? साल भर से 8-10 महीने से ताला ही लग रहा है। ताला लगा है तो ये सफाई वगैरह जो चेयरमैन साहब वगैरह अधीक्षक जी अधिकारी कह रहे हैं रोजाना होती है, वो सब गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, रोजाना ताला नहीं खुलता है। भाई साहब आपका नाम? आपका नाम सामने देख, सामने देख के बताइए आप। उमेश दायम। सर ये जो स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा लाखों रुपये खर्च किए गए जनता के लिए, क्या इसकी सुविधा जनता को मिल रही है? नहीं, जनता को तो मिलती तो है, लेकिन मैं बताऊँ बाहर वालों को लोकलिटी में टाइम पे। अच्छा। लोकलिटी जब ले सकते हैं, जब बताऊँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जी। सर अभी जैसे पुरुषों के लिए खोला हुआ, वहाँ पर कांग्रेस का लोगो धरती पर पड़ा हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन पड़ा है, दारू के पवे पड़े हैं, क्या सफाई होती है यहाँ पे? नहीं, सफाई तो नहीं होती जी। नगर पालिका के लोग आके सफाई भी नहीं करते। अब पीने वाले तो क्या कि पीते रहते हैं, इसको कौन उठाए? तो ये है हमारे सांभर कस्बे के दर्शक, ये साफ कह रहे हैं कि नगर पालिका की थोती घोषणा है, राज्य सरकार द्वारा बजट उठाना, तैयार करना और कमीशन लेकर के नीपापोती कर देना, यही एक सांभर नगर पालिका की सभी सामने आ रही है। और देखने को मिल रहा है कि नगर पालिका कांग्रेस का चेयरमैन, कांग्रेस की सरकार स्थापना दिवस मनाई जा रही है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का लोगो जमीन पर पेशाब घर में धूल चाट रहा है। एवन टीवी आनंद प्रकाश वर्मा।